हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोगों को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो एसी का साथ मतलब एयर कंडीशनर का साथ हम लोग को फैन को चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ऐसा चलने से हम लोग को क्या एडवांटेज हो जाएगा, क्या डिसएडवांटेज हो जाएगा बोल के हम लोग को ये वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। आप एक सिंपल स्टेट में आप मेरे को पूछने से मैं तो बता देगा, जो एसी का एयर कंडीशनिंग के साथ आप पंखा को चलने से आपको आपका जो पावर कंसप्शन है ना, वो जो पावर कंसप्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा होएगा तो आपका जो कच्चा है ना, कच्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब पावर कंसप्शन ज़्यादा हो जाएगा आप एसी का साथ पंखा चलने से। ठीक है, क्यों क्यों किस कारण से जो ऐसा हो जाता है बोल के आप लोग को जो मालूम होना चाहिए, तो ये वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं वीडियो में जो क्लियरली आप लोग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो उसका पहले अभी तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका बाद भी एक बेल बटन भी होता है उसको भी दबा दीजिए, ऐसा दबाने से कोई भी एक वीडियो में डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अभी एसी में इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट ऐसा रहता है, सभी लोग को मालूम है। ठीक है, जो इंडोर यूनिट में यार क्या रहेगा, जो रोटरी फैन पिन फिर फिन असेंबली ऐसा कुछ रहेगा, फिर कॉपर ट्यूब्स कुछ रहेगा, फिर आउटडोर यूनिट में आप देखने से जो कंप्रेसर रहेगा, जो कंडेंसर फैन रहेगा, फिर एक्सपेंशन वॉल रहेगा, फिर कॉपर ट्यूब्स ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग को अभी एक रूम है मान लीजिए, जो रूम में जो मैं एसी इंडोर यूनिट में लगा रहा हूँ उसमें क्या हो जाता है, पहले जो जनरली वो जो एयर है ना, एयर अभी एसी है। ठीक है, एसी ऐसा है, मान लीजिए एसी इधर है, जो एयर है ना, एयर टॉप से ऊपर से खींचेगा नीचे छोड़ देगा, ऊपर से खींचेगा नीचे छोड़ देगा। क्यों वो एसी जो डिजाइन ऊपर में क्यों खींचता है, नीचे खींच के बाहर ऐसा ऊपर में छोड़ सकता है ना, लेकिन वो डिजाइन क्यों ऐसा किया, जो कुछ है ये अभी आप मान लीजिए एक कमरा है, जो कमरा में हॉट एयर कोल्ड एयर दोनों भी रहेगा बोल के मान लीजिए, उसी में जो कोल्ड एयर है ना, वो जो कोल्ड एयर नीचे रहेगा, हॉट एयर ऊपर रहेगा। क्यों ऐसा रहता है, जो डेंस है उसका वेट है, जो हॉट एयर में जो वाटर वेपर कुछ कम रहेगा, लेकिन जो कोल्ड एयर में जो वाटर उसका वेट है ना, उसका डेंस है ना, जो ज़्यादा रहेगा, इसलिए कोल्ड एयर कभी भी जो नीचे रहेगा रूम में, हॉट एयर ऊपर ही रहता है। इसलिए कोई भी एसी ऊपर का जो हॉट एयर को खींच के फिर जो एवापोरेटर कॉइल से फिर जो रोटरी फैन का जो हेल्प से फिर कूल करके जो नीचे छोड़ देता है। ठीक है, यही कारण से कभी भी जो एसी में हवा जो खींचेगा ऊपर से खींचेगा नीचे छोड़ देगा। ठीक है, अभी जो हाई डेंस लो डेंस में बोलता हूँ ना, वो कुछ नहीं, अभी पानी है, पानी का ऊपर में आप कोई भी एक प्लास्टिक डालने से वो प्लास्टिक ऐसा ऊपर में ऐसा घूमते रहेगा ना, क्यों अंदर नहीं जाएगा, क्यों बोलने से जो वाटर डेंस का कंपेयर करने से आपका जो प्लास्टिक का जो वेट है मतलब उसका डेंस है जो कम है, ऐसा ये हॉट एयर एंड कोल्ड एयर कभी भी बोलता हूँ, हॉट एयर ऊपर ही रहेगा कोल्ड एयर नीचे रहेगा। ठीक है, अभी हमारा सब्जेक्ट का अंदर आएंगे, अभी ऐसा हॉट एयर ऊपर रहता है कोल्ड एयर नीचे रहता है, ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। अगर मान लीजिए मैं तो एक सीलिंग फैन को मैं चालू करता हूँ, अभी क्या हो जाएगा, ऊपर का जो हॉट एयर है ना जो कोल्ड एयर में मिक्सअप हो जाता है, ऐसा मिक्सअप होने से अभी मान लीजिए मेरा रूम में 25 डिग्री सेल्सियस बोल के मैं सेटिंग करता हूँ, अभी क्या हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस बराबर आने से मेरा कंप्रेसर कट हो जाएगा। अगर वो हॉट एयर को बराबर वो साइकिल हमें खींच के नीचे छोड़ने से ये सेट लिमिट थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, मतलब कंप्रेसर का सेट लिमिट मतलब कंप्रेसर थोड़ा जल्दी बंद हो जाएगा। अगर हॉट एयर कोल्ड एयर मिक्सअप होने से क्या हो जाता है, अभी कंप्रेसर उसका रूम का अंदर का जो टेम्परेचर जो मीट आउट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, टाइम लगने से आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेसर चलते रहने से क्या हो जाएगा, आपका पावर कंसप्शन ज्यादा हो जाएगा, यही कारण है। ठीक है, और आदमी कुछ सोच सकता है, सर मैं तो एसी चालू करके जो सीलिंग फैन को लगाने के टाइम में मेरे को ठंडी, मेरा बॉडी है ना जो बॉडी को बहुत कूल हो जाता है, बहुत मैं कूलिंग फील करता हूँ, मतलब कोल्ड बहुत फील करता हूँ बोल के बताता है, ऐसा है मतलब वो क्या है, विंड चिल इफेक्ट है, मतलब विंड चिल इफेक्ट मतलब क्या है, हमारा शरीर है जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर कभी भी 34 डिग्री सेल्सियस नहीं तो 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ रहेगा मान लीजिए, सॉरी ऐसा रहने के टाइम में
अभी मैं जो कोल्ड एयर से कोल्ड एयर को कुछ फोर्स से भेजने से क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉडी का अंदर ऊपर में जो रहेगा हार्ट हार्ट रहेगा जो मतलब क्या ये वो बाहर जाएगा, मतलब मेरा मेरा जो बॉडी से अंदर जो बॉडी का अंदर जो हार्ट एयर है वो पकड़ के वो जो कोल्ड एयर फिर चला जाएगा। हमारा बॉडी क्या ऑब्जर्व करेगा, कोल्ड एयर को ऑब्जर्व करता है। हमारा शरीर में जो रहता है जो हार्ट एयर रहता है वो क्या ये बाहर चला जाता है, ठीक है। वही क्या क्या ये इफेक्ट में जो बोला ना चिल विंड चिल इफेक्ट है, ठीक है। यही कारण से हम लोग को एसी चालने करने का टाइम में, मतलब एसी दोनों फैन दोनों चलने का टाइम में हम लोग को कोल्ड ऐसा हम लोग को मतलब कोल्ड फील करता हूँ, ठीक है। कंफर्ट में हम लोग को रहता हूँ, लेकिन आपका जो पावर कंसप्शन ज्यादा जाएगा क्यों बोलने से, जो कंप्रेसर मतलब आपका सेट लिमिट, आप क्या जो सेट लिमिट जो किया वो सेट लिमिट जो आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। यही कारण से कंप्रेसर चलते रहेगा, कंप्रेसर चलते रहने से आपका पावर कंसप्शन ज्यादा जाएगा, यही कारण है। आदमी लोगों में बहुत आदमी का पास ये डिस्कस किया था, आदमी लोगों को क्या बहुत आदमी क्या बोल रहा है, नहीं एसी का साथ पंखा चलने से आपको फीलिंग तुरंत आपको कुछ कूलिंग आप फील करता है, इसलिए आपका पावर कंसप्शन बहुत कम रह जाएगा बोल के बताता है। वो चीज बिल्कुल गलती है, ऐसा चीज नहीं है। एसी का साथ आप फैन चालू करने से आप कूलिंग फील कर सकता है, लेकिन आपका पावर कंसप्शन ज्यादा जाएगा। इसका बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकता है, लेकिन वो दिन का टाइम में आप नहीं कर सकता है, रात का टाइम में आप ये चेक करने से आपको पता हो जाएगा। क्यों बोलने से रात का टाइम में आपका आउटसाइड टेम्परेचर है ना थोड़ा कुछ कांस्टेंट रहेगा, दिन में क्या हो जाता है मॉर्निंग 10 o'clock कुछ हीट रहेगा, फिर 12 बजे में कुछ आउटसाइड का टेम्परेचर रहेगा, फिर बहुत चीज है ना वो, उसका एक्सपेरिमेंट में मैं आपको मैं बताता हूँ। जो ये चीज बोला है ना ये चीज एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो तब तक जो थियोरेटिकल में यही है। ये वीडियो बहुत बेसिक वीडियो है, सभी लोग को मालूम होना चाहिए। अभी तक हमारा चैनल में जो इन्वर्टर एसी बेस्ट नहीं तो इन्वर्टर एसी नहीं तो नॉन इन्वर्टर एसी कौन सा बेस्ट है, कैसे जो एसी को चूज करना है, स्टार रेटिंग क्या है, फिर ई आर क्या है, एसी आर क्या है, आईसी आर क्या, सभी के बारे में मैं तो बता दिया, लेकिन ये तो बेसिक है, मैं तो बोलने के लिए जो छोड़ दिया था, इसलिए ये वीडियो जो बना के मैं आपको आपका साथ में ले आपका साथ में प्रसन्न करता हूँ, ठीक है। इसका बारे में आपको कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जरूरी आपका आदमी लोग को जो जो कुछ फ्रेंड्स रहेगा उसको शेयर कीजिए, ठीक है। फिर और एक स्मॉल अपडेट है, जो अभी का टाइम में जो सेकेंड वेव बहुत कोरोना का जो सेकेंड वेव ज़्यादा बढ़ जाता है रोज रोज, आप बाहर आप काम के लिए जो बाहर जाएगा तो थोड़ा सेफ्टी में जाके फिर वापस आइए, आपका सेफ्टी आप थोड़ा अच्छा रहने से आपका परिवार अच्छा रहेगा। आपका आप अच्छा नहीं सो आपका परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, सो उसको सोच के थोड़ा सेफ्टी में जाइए, सेफ्टी में जाके वापस आइए, ठीक है। सभी कुछ फॉलो कीजिए, जो कुछ पीपीस लगाना जो लगाना सब कुछ लगा के जाके आइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।